अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। मैं राबी इकबाल खान हमेशा की तरह आप सब लोगों को अपने चैनल पे अपने किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। बकरीद की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है चारों तरफ हर जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हर साल की तरह इस साल भी लोग करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही आसानी से कलेजी की रेसिपी बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है तेल, 500 ग्राम कलेजी है मेरे पास, तो मैं इसमें जो हूँ तेल डालूँगी एक आधे कप से भर करके, सॉरी आधा कप चाय के कप से तेल डालूँगी। कुकिंग ऑयल है ये, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ज़ीरा काले मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया है इसके अंदर, और 2 चुटकी डाल रही हूँ यहाँ पे हींग। हींग जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने 2 चुटकी हींग भी इसमें डाला है। अभी हम तेल को हल्का सा गरम कर लेंगे, ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेगा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला में मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का दालचीनी, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग है, और 1 टुकड़ा जो है जावित्री का है, इसको हम डाल लेंगे और इसे हल्का सा जो है गरम होने देंगे। अब इसके अंदर हम चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ जो है लहसुन जो है 3 से 4 पीस उसको काट के डाल देंगे। लहसुन जो है वो बारीक काट करके डाल लें और इस तरह से हम इसको चला करके हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, मैंने 3 मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें। 1 बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने स्लाइस काट लिया है और इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तेल हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल और ज़्यादा डालेंगे, आपके पास अगर तेल कम ना हो तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये मेरे पास कढ़ाई में अलग से बचा हुआ तेल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये पका हुआ तेल है, आप अगर ऊपर से तेल यूज़ करें तो पका हुआ तेल यूज़ करें ताकि इसमें कच्चापन ना हो। यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुका है प्याज। कलेजी पहले आप ध्यान से देख लें, मैंने इसे 4 से 5 पानी से धोया है और ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में क्यूब्स में कटा हुआ है और इसके अंदर कोई चर्बी वगैरह नहीं है, सिर्फ सादा साफ कलेजी है, बीफ की कलेजी है, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा अभी मीडियम टू हाई पे है, आप इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, इसलिए कलर चेंज होने तक हम हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मसाला भी डालेंगे। यहाँ पे नमक, मैंने नमक जो है वो 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ पे नींबू का रस जो है वो मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून फुल भर करके। नींबू का रस डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे जो है इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल कम हो जाती है और गलने में भी कलेजी जो है आसानी से गल जाता है, गोश्त जो है जल्दी गलाता है नींबू का रस जो है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप सिरका भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून फुल भर करके लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर हम नहीं डाल रहे हैं, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम पे कर दिया है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि 10 मिनट्स हो चुका है और तेल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला भुन चुका है हमारा,
और अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकाने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाने में लग जाएगा और इसे हम बीच बीच में चला लेंगे, खोल करके बीच बीच में हम इसे खोल करके चलाएंगे। तो अभी हम इसे ढक देते हैं। अब ये तेल जो है इसका बिल्कुल सॉरी पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है जिसको हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के अंदर ये गल चुका है। कलेजी हमारा जो है गल के तैयार है और अब हम इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें थोड़ा सा जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह का भून करके तैयार है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं सही से। जब तक गोश्त कलेजी गले ना तब तक आप इसको पकाइएगा, चाहे उसके वजह से आप अगर पानी कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं गलाने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा कि आपने देखा कि मैं ये कलेजी जो है बिल्कुल गल चुका है, टूट रहा है आसानी से। तो अब हम इसे जो है इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दही जो है वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप दही कम डालें, ज़्यादा ना डालें। यहाँ पे मैंने नमक जो है कम लग रहा था तो नमक मैंने डाला है थोड़ा सा और ज़्यादा। अब दही डाल देंगे, 1 ही टेबल स्पून डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि ये कलेजी जो है इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं रहता है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। बकरीद के टाइम टाइम बहुत कम होता है और कुर्बानी के बाद सबसे पहले कलेजी बनाना ही एक पहला काम होता है कि जल्दी से जल्दी कलेजी बना के रेडी कर लें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आसानी से बना के तैयार कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। गैस यहाँ पे हमारा मीडियम पे है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है क्योंकि इसमें पानी कम है, इसलिए हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम पुदीना जो है वो डाल देंगे 5 से 6 पीस पत्ता इसका तोड़ के। और पुदीना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें लेकिन इससे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और यहाँ पे धनिया पत्ता हम डाल देंगे, फ्रेश कोरिएंडर काट करके, और थोड़ा सा जूलियन कट में हमने जो है काट करके रखा है अदरक वो ऐड कर देंगे। और हमारे ये मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी कलेजी की बन के तैयार है। इसे हम 5 मिनट और दम पे छोड़ेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे दम करना है ताकि गरम गरम मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि इसे हम बाद में सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। तो तैयार है ये कलेजी की रेसिपी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि ये कैसा बना है। और जिस तरह से मैंने बताया उसी तरीके से बनाइएगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए, लेकिन मुझे ये भुना हुआ कलेजी इसी तरह का पसंद है, इसलिए हम इसी तरह का छोड़ रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा आने वाली रेसिपी को पाने के लिए। ईद मुबारक हो आप सबको। इंशाल्लाह फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।